हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले 3 लेक्चर से हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। उसमें थर्ड क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी हम लोग थर्ड वीडियो में देख चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो पहले ध्यान से। क्वेश्चन तो पहली बार बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि करना हमको वही है, डेरिवेटिव ही निकालना है। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। करना क्या है वो मैं पहले समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग जो है वो मेन क्वेश्चन पर आएंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स। ध्यान देना ये वर्ड पे क्या लिखा है। डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। ठीक है, ये बात ये पहले क्या दिया हुआ है। देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन किसको बोला जो क्वेश्चन में दिया ना, ये वाई, ये हमारा फंक्शन है, इसके इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना। देखो अगर मैं ये वाई का डेरिवेटिव निकालती हूँ, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही आएगा ना, लेफ्ट साइड पे हमारे राइट साइड पे एक्स है, तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ये तो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया, लेकिन हमको फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं निकालने बोला है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, बल्कि जो हमारा फंक्शन है उसके इनवर्स का डेरिवेटिव। तो ऑफकोर्स इसके इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका हम लोग अगर इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। यानी हमको सीधा सीधा निकालना क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले हमको डी वाई बाय डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी वाई बाय डी एक्स को उल्टा कर दो, ये उल्टा ही है ना इसका, उल्टा कर देंगे हम लोग इसको तो हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एट एक्स इक्वल टू वन हम लोग डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल लेंगे। उसके बाद एक्स इक्वल टू वन का मतलब क्या हुआ, जहां जहां एक्स रहेगा वहां वन रखेंगे और फिर आगे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। करना हमको डेरिवेटिव ही है। तो चलो स्टार्ट करते, सोल्यूशन देखो जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। सोल्यूशन इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां पर डी वाई डी एक्स एक्स रेस टू फाइव प्लस टू एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स है ना। नेक्स्ट अब तीन, यहाँ पे तीन कॉम्पोनेंट्स है, वन टू थ्री, थ्री टर्म्स है यहाँ पर। हम लोग तीनों का डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो ये हमारा सिंपल वाला वही कौन सा रूल है, ये पावर रूल ही है। पावर रूल क्या रहता है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव अगर मैं निकालती हूँ तो क्या हो जाता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। याद हो गया होगा अब तक। तो यहाँ तीनों पे हमारा वही लगने वाला है, एक्स रेस टू फाइव मतलब एक्स रेस टू एन, एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे फाइव है, तो ये क्या हो जाएगा फाइव एक्स रेस टू फोर। यही होगा ना कि फाइव यानी जो पावर होती है, पावर क्या बनता है, पहले कोएफिशिएंट बन जाता है, उसके बाद पावर में से हम लोग क्या करते हैं, वन माइनस कर देते हैं। तो ये फाइव कोएफिशिएंट बन गया और फाइव में से वन कम किया इतना जाएगा ये फोर, इसका हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्लस ये टू एज इट इज रहेगा। एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर है ना, थ्री जो है वो क्या बन गया, कोएफिशिएंट और एक कम कर दिए, प्लस थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री। बता चुकी हूँ पहले से मैं, एक्स का डेरिवेटिव वन, टू एक्स का डेरिवेटिव टू, थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री, एन एक्स का डेरिवेटिव एन, मतलब जो भी नंबर है वो लिख देना है, क्योंकि एक्स का क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो ये क्या हो गया है, ये हो गया फाइव एक्स रेस टू फोर प्लस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो गया, ये सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन हमको डी वाई अपॉन डी एक्स से डी एक्स अपॉन डी वाई करना है। तो हम लोग लिखेंगे नाउ डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होगा, इसी का उल्टा यानी इनवर्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। तो डी वाई बाय डी एक्स ये क्या आया था, वन अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, सॉरी एक्स रेस टू फोर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया है। अब आगे क्या करना है, क्या लिखा है, एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, वन। तो लिखेंगे हम लोग एट एक्स की वैल्यू वन, यानी जो भी दिया होगा क्वेश्चन में बस वही रख देना है। तो ये इसको लिखते किस तरह से, देखो लिखेंगे इसको डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इक्वल टू वन को ऐसे लिख, मतलब ब्रैकेट बनाना है और नीचे यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो लिखनी है, इक्वल टू वन अपॉन जहां जहां एक्स वहां वन करना है, फाइव वन रेस टू फोर प्लस सिक्स वन स्क्वायर प्लस थ्री
इक्वल टू वन अपॉन ये कितना वन के पावर फोर पर भी वन ही रहता ना, ये कितना हो जाएगा फाइव प्लस सिक्स प्लस थ्री कितना हो गया ये फोर्टीन, कितना हुआ ये फाइव, ये कितना हो गया इलेवन और ये थ्री फोर्टीन, वन अपॉन फोर्टीन ये उसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो है ना। तो जैसे स्टार्ट करते सेम वैसे स्टार्ट करेंगे, अब देखो करना सब में वही है, अब हमको बस फॉर्मूले याद रखना चाहिए, पूरा टेबल बना चुकी हूँ मैं फर्स्ट वीडियो में, फिर से देख लेना उसको अगर याद नहीं होगा तो। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स अप्लाई करेंगे हम लोग राइट साइड पे, ई रेस टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू, यहाँ पर भी हमारे थ्री टर्म्स है, तीनों का डेरिवेटिव निकालेंगे, ई रेस टू एक्स का याद हो गया होगा, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स होता है प्लस थ्री एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है थ्री, और टू कॉन्स्टेंट उसका डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या आया है ई रेस टू एक्स प्लस थ्री, अब डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे इसको उल्टा कर देंगे ना, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है तो ये हो जाएगा वन अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस थ्री, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी दी है जीरो, तो लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू वन अपॉन, जहां जहां एक्स है वहां जीरो सिर्फ यहां पर है ना, तो ई रेस टू जीरो प्लस थ्री, हमको मालूम है किसी भी नंबर की पावर जब जीरो होती है तो वो क्या होता है वन होता है, तो ई रेस टू जीरो हो जाएगा वन, तो ये लिखा जाएगा वन अपॉन वन प्लस थ्री यानी वन अपॉन फोर, ये हम लोग क्लास सिक्स में पढ़ चुके हैं इंडाइसेस में, ए रेस टू जीरो इज वन, ए इज एनी नंबर वहां पे ई है, तो ये इसका आंसर है वन अपॉन फोर। थर्ड क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू लॉग एक्स क्यूब एट एक्स इक्वल टू वन, ठीक है इसका भी डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा ये लिखते पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी बाय डी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू लॉग एक्स क्यूब, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले फर्स्ट कॉम्पोनेंट हमारा क्या है थ्री एक्स स्क्वायर, तो थ्री तो कॉन्स्टेंट है ये ऐसे ही रहेगा थ्री, एक्स स्क्वायर का पावर रूल पे क्या आएगा पावर टू नीचे आ जाएगी कोएफिशिएंट बन जाएगी, और एक्स स्क्वायर का वन कम करेंगे तो लिखते नहीं है ना, वन टू माइनस वन वन होता है, हम लोग कभी भी वन पावर लिखते नहीं है, तो ये बस टू एक्स लिखा जाएगा प्लस टू, आगे क्या है लॉग एक्स क्यूब, अब ध्यान दो ये लॉग एक्स क्यूब है, हम लोग को मालूम है डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है वन अपॉन एक्स, ये एक्स है ना तो ये वन अपॉन एक्स हो जाता है, अब यहाँ पे लॉग एक्स नहीं है लॉग एक्स क्यूब है, तो लॉग एक्स क्यूब में पहले क्या होगा पहले लॉग पे लगेगा तो ये वन अपॉन एक्स क्यूब हो गया है ना, जैसे एक्स था तो वन अपॉन एक्स हुआ, लेकिन अब यहाँ पर हमारा एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव भी है, यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव तो वन हो जाता है ना, अब यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमको लिखना पड़ेगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू पावर रूल क्या हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर है ना, अब जो सिंप्लीफाई होता है वो कर लेते हैं, पहले ये हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस ये कितना हो गया थ्री इंटू टू सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये कैंसल हो रहा है कैंसल कर दो, तो टोटल बचा क्या है सिक्स एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स, ये है हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते कर लेते क्योंकि इन्वर्स करना है ना, अभी ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो क्या हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स अपॉन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया है, हम लोग को डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना है, नाउ डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है तो यही है ना, इसको उल्टा कर दो एक्स ऊपर गया है और ये टर्म नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी थी x की वैल्यू थी वन, अब x की वैल्यू को वन रख देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे एट x इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इक्वल टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स
वन स्क्वायर प्लस सिक्स, तो कितना आ गया ये 1/12, यही इसका आंसर है। काफी सिंपल है ये क्वेश्चन, सारे फंक्शन इजी है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन है इसका, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू टू। यहाँ पर ध्यान दोगे ये साइन ऑफ x माइनस टू है, ये साइन के आगे ये पूरा ब्रैकेट इसका एंगल है, इसे हम लोग लिखते हैं ना साइन x लिखते हैं, वैसे ये x माइनस टू इसके साथ में ही है। इसका डेरिवेटिव निकाल लेते, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy अपॉन dx, dy dx साइन x माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो पहले साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, जैसे कि क्या होता है यहाँ पर डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, वो क्या होता है कॉस एक्स, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ साइन एक्स नहीं है, एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू का भी डेरिवेटिव है। पहले मैं इसका लिख देती हूँ, ये एक्स था तो कॉस एक्स हुआ, ये एक्स माइनस टू है तो कॉस एक्स माइनस टू ही होगा इसका, सिंपल है। अब यहाँ पर सिर्फ x रहता है तो x का तो 1 हो जाता है ना, लेकिन अब यहाँ पर x नहीं, x माइनस टू है, तो x माइनस टू का हमको निकालना पड़ेगा। x माइनस टू में लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डी बाय डी एक्स एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x cos x माइनस टू, x माइनस टू में x का डेरिवेटिव हुआ 1 और 2 का हो गया 0 प्लस 2x, आंसर आ गया है cos x माइनस टू प्लस 2x, ये है हमारा dy by dx। इसका इन्वर्स कर देती हूँ तो इन्वर्स हो जाएगा dx अपॉन dy विच इज 1 अपॉन dy अपॉन dx, इसका उल्टा कर देना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x माइनस टू प्लस 2x, ये हमारा dx अपॉन dy है। इसमें एट x की वैल्यू कितनी लेनी है 2, तो लिखेंगे यहाँ पर एट x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई एट एक्स इक्वल टू टू, जहां जहां एक्स है वहां वन करना है, यहां वन आएगा और यहां वन आएगा, तो 2 आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 माइनस टू प्लस 2 इंटू टू, तो ये क्या होगा 1/2 0 हो गया, तो कॉस 0 प्लस 4, कॉस 0 1 होता है तो 1/1 प्लस 4 आंसर आएगा 1/1, साइन 0 0 और कॉस 0 1, तो ये इसका आंसर है 1/5। वे क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ डैश और उसके आगे लिखा हुआ है ऑफ 0। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूरा सॉल्व किया, उसने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 4 वही है लेकिन लिखने का तरीका देखो बदल दिया, तो बोले ना क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर ध्यान दिए हो तो क्वेश्चन किस फॉर्म में था, y इज इक्वल टू फिर आगे x के टर्म्स लिखे हुए थे, लेकिन अब यहाँ पे y नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ एफ एक्स, तो हम लोग को मालूम है ना फंक्शन का बेसिक नोटेशन वही है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो चाहे y लिखे चाहे एफ एक्स लिखे बात तो वही होती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे पहले क्या किए थे, y दिया था, पहले y का डेरिवेटिव डी वाई बाय डी एक्स निकाले और फिर उसको उल्टा करके क्या कर दिए थे, डी एक्स अपॉन डी वाई निकाल दिए थे और फिर जो भी इंडिकेटेड वैल्यू थी वो यहाँ पे हम लोग सब्सिट्यूट कर दिए थे। ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, किस तरह से कर रहा है देखो, ये एफ एक्स दे दिया, फिर आगे लिखा हुआ है फाइन एफ इनवर्स डैश ऑफ 0, यानी हम लोग क्या करेंगे पहले एफ का डेरिवेटिव निकालेंगे, जिससे वहां पे पहले वाई का डेरिवेटिव निकाले थे, यहाँ हम लोग पहले एफ का डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसके बाद क्या किए थे उसका इनवर्स, उसको उल्टा कर दिए थे, तो यहाँ भी वही इसको उल्टा कर देंगे, तो यही चीज हमको मिल जाएगी, फिर आगे जो ब्रैकेट में 0 लिखा है मतलब ऑफ 0, तो जहां पर x की वैल्यू होगी वहां पर 0 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक ही चीज है, बस लिखने का तरीका जो है वो चेंज कर दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि हाँ क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छी प्रैक्टिस हुई है और क्वेश्चन नंबर 4 को देखकर सब भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एक ही चीज है। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, लिखते डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि वेरिएबल एक्स है, बार बार बोलते हैं उस पर ध्यान देना है, वेरिएबल एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही है, अगर यहाँ टी होता तो विथ रिस्पेक्ट टू टी लिखते हम लोग, तो एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एक्स, यहाँ लिखे तो डी बाय डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस टू, एक्स क्यूब का अकॉर्डिंग टू पावर रूल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर
x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 और 2 का हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है वो. तो f डैश x क्या आया है 3x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा f डैश x आ गया. अब इनवर्स ये, तो f इनवर्स डैश x क्या होगा 1 अपॉन f डैश x, यही होगा, वही चीज है ना. अब यहां पे वैल्यू रखो 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया. फिर एड 0, तो 0 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा फिर ये, यहां पे 0 कर देती हूँ x की वैल्यू. f इनवर्स डैश 0 1 अपॉन 3 0 प्लस 1, ये कितना हो गया 0, तो 1 अपॉन 1 आंसर आएगा इसका 1. देखिए कितना सिंपल था ये. तो बस हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और आगे इसका आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा. बस कुछ जो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में टेबल पढ़े थे वो टेबल को अच्छे से याद कर लो. डेरिवेटिव सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है. तो आज के वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं. हम लोग टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, 5वां हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जब तक क्वेश्चन नंबर 4 तक की प्रैक्टिस करो. अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. माय नेम इज शाजिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.